शमशेर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि ये विविधताओं का देश है। आप जैसा मैंने बताया कि आप कम से कम 12, 14, 15 राज्य ऐसे हैं जहां पे एक बड़ी संख्या में इन लोग हैं। मैं इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं कि आज की तारीख में सबको लगता है कि नहीं नहीं ये तो फोरगॉन कंक्लूजन, फोरगॉन नहीं है। मैं इस पे एक बात करूंगा कि ये केवल वोट की राजनीति के लिए हिंदू हिंदू मुझसे, मैं पंजाब में अभी गया था और कैप्टन घुमन यहाँ आए हुए हैं, पंजाब के लोगों का कहना है कि वो खालिस्तानी खालिस्तानी इसलिए बोलते हैं कि उनको हिंदू वोट उत्तर प्रदेश और बिहार में चाहिए, वो हमें खालिस्तानी बोलते हैं। मैं जम्मू गया था तो वो कह रहे थे हमारी पिटाई इसलिए होती है कि उनको वोट आपकी हिंदी पट्टी में चाहिए। मैं थोड़ा इस पे, मतलब अगर वहां कहीं किसी किसी अल्पसंख्यक समुदाय को पिटाई करो तो हिंदू उससे खुश होकर वोट दे रहा है, ये साइकोलॉजी आ गई है, मैं इसको मान रहा हूँ। इस पे मैं जरा शमशेर साहब एक ओपनिंग स्टेटमेंट और फिर आगे बात करते हैं। बात यह, बहुत शुक्रिया आज बहुत एक अहम चर्चा फिर करने के लिए आनंद भाई, और आप बहुत गंभीर मसले पर आपने अपना अपना इंट्रोडक्टरी अपनी बात रखी है। सच्ची बात यह है कि आरएसएस से जुड़े हुए मोदी जी हैं जो इस बात को साफ बोल चुके हैं कि मुझे नेता बनाने में गोलवलकर ने मुझे ग्रूम किया, मेरी परवरिश की, और ये वो आदमी है जो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये जुलाई 12, 2013 को राइटर्स के दो पत्रकारों से बात करते हुए, जो इंग्लैंड की बड़ी न्यूज एजेंसी है, ये कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है। इससे पहले आरएसएस से जुड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरे लोग थे, लेकिन वो नहीं कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री, मैं भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हूं बल्कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी, इन्होंने पहली बार कहा। तो ये यानी क्या खेल हो रहा है, ये खेल कोई नया नहीं है। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा, जब एक डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया बना था, तो उन्होंने कहा कि ये सब हम इसको नहीं मानते हैं। 14 अगस्त 1947 की मैं बात कर रहा हूं कि ये हम इस देश को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये देश जो है ये मानकर नहीं चल रहा कि ये हिंदू विचारों, हिंदू संस्कारों, हिंदू प्रतीकों, हिंदुओं के हिसाब से ये नहीं चल रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमको ये मंजूर नहीं है। और उसी 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 के साथ ही उन्होंने, आप वाकिफ होंगे जरूर, के तिरंगे झंडे को जलील करते हुए कहा कि तीन रंग मनुष्य होते हैं और हम इसको मानने नहीं जा रहे। तो ये बात बहुत बहुत साफ थी। तो वो माइनॉरिटीज जो आपने बताया 14.2% है, माइनॉरिटीज जो 1.7% है, माइनॉरिटीज जो 2.4% है, उनके आप पीछे पड़े हुए, आप जानते हैं कि वो कहीं पर भी आपको कम्पीट नहीं कर रहे हैं चुनाव दिलाने में, लेकिन हिंदू उनको वोट नहीं देने जा रहा है। मोदी को ये बात पक्की है कि हिंदू वोट नहीं देने जा रहा है, और उसके लिए उन्होंने वर्गलाकर कुछ भी कर वो करना है। और आनंद भाई साहब, मैं असल में मैं आधे घंटे में चला जाऊंगा, मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हिंदुओं के सगे बन रहे हैं मोदी जी, ये हिंदुत्व जो है जिसको वो लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र जो लाना चाहते हैं, वो बुनियादी तौर पर हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि वो किसको लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति जो हिंदू औरतों को और जो शूद्र हैं, जो नीची जातियां जिनको बोलते हैं ये लोग, उनको इंसान नहीं मानते हैं। मनुस्मृति जो लागू की जाएगी, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया, 4 दिन के बाद आरएसएस ने बहुत लंबा एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, हम इसको रद्द करते हैं। मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति ईसाइयों सिखों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति हिंदुओं के खिलाफ है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है। और मोदी जी जिस हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म की अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जिनको आरएसएस और मोदी जी कहते हैं कि चार जो हिंदुओं के स्तंभ है उनमें से एक है, मुझे लग रहा है सत्यात प्रकाश का चैप्टर 11 पढ़ लीजिए कि ये हमारे यहाँ मूर्ति पूजा कहां से आई, मूर्ति पूजा जैनियों से आई, और जैनियों में कहां से आई, उन्होंने कहा अपनी मूर्खता से आई उनकी जी। और दयानंद सरस्वती ये भी कह रहे हैं चैप्टर 11 में कि अगर आप
किसी किसी पत्थर के अंदर या लोहे की मूर्ति के अंदर आप जीवन डाल सकते हैं, तो आप अपने जो बच्चा मर गया है उसमें क्यों नहीं डाल सकते हैं? आप उसमें डाल दीजिए, और आप डाल सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जो हमारे खिलाफ सेनाएं खड़ी हैं उनकी जानें निकाल लें। तो ये बड़ा अजीब और गरीब हो रहा है, पाखंड एक ऐसा खेल खेला जा रहा है। और पक्की बात है कि मोदी सुनिश्चित नहीं है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इसीलिए आप देखिए सारा सारा भीड़ कूड़ा दूसरी पार्टियों का जमा किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत गंभीर उस पर बातचीत किया, लेकिन क्या ये हिंदुओं का तुष्टिकरण हो रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, ये हिंदुओं की कबर खोद रहे हैं मोदी जी। जी तो आप मेरे दर्शकों को एक चीज और समझा देते। देखिए सबसे बड़ा हमारे पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान एक धर्म के होने के बाद भी वो साथ नहीं रहे, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनके रहने सहने का ढंग सब अलग था, और सबसे बड़ी बात भाषा की थी। मैं इस पे भी थोड़ा लोग आपको दर्शकों को समझाने मैं आपसे आग्रह करूंगा कि धर्म बाइंडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। हमारी कल्चर, हमारे आपका रहने सहने का ढंग बाइंडिंग फैक्टर होता है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं शमसुल साहब कि ये पिछले 10-15 साल में ज्यादा हो गया है, पोस्ट बाबरी मस्जिद और ज्यादा हो गया, लेकिन पोस्ट 2014 तो और ज्यादा हो गया। उससे पहले मैं लखनऊ में रहता हूं, आप मेरे और मेरे मुसलमान दोस्त के बीच फर्क बता ही नहीं सकते थे। मेरा चैलेंज था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जो देखने में, उनकी भाषा अगर आप देख लीजिए तो क्या मुसलमान बोलेगा उस तरह की भाषा, और जो खाते हैं वो जितना नॉन वेजिटेरियन और शेरो शायरी और ये सब, लेकिन उस फैब्रिक को हम लोग तोड़ रहे हैं। और थोड़ा बांग्लादेश के बाद भी रेफरेंस में आप प्लीज ले आइएगा तो थोड़ा दर्शकों को समझना आसान होगा। आनंद भाई, आपने जो बात रखी उससे पहले मैं जरा, राकेश भाई ने एक बहुत अहम सवाल को छुआ, एक दुखती रग को छुआ, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं। राकेश भाई, सबसे बड़ा हम लोगों का जो फेलियर हुआ वो फेलियर ये हुआ कि आरएसएस इस देश के हिंदुओं का दुश्मन है, इस देश डेमोक्रेसी का दुश्मन है, बराबरी का दुश्मन है, वो सिर्फ मुसलमान ईसाइयों का दुश्मन नहीं है। ये हम नहीं बता पाए इस देश के लोगों को, हम ये नहीं बता पाए कि जिस संविधान को लागू करना चाहते हैं उस समय वो मनुस्मृति और जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र वो मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ नहीं लिखा गया, वो हिंदुओं के खिलाफ है, आम हिंदू लोगों के खिलाफ है, शूद्रों को तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों के अलावा सबके खिलाफ है, सारे चतुर्वर्ण के अंदर सारी हिंदू औरतों के खिलाफ है। हम इसको नहीं बता पाए, और मैं इस पर बहुत दुखी हूं कि इतिहास की जो तमाम एकेडमीज थी वो सारा हमारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के हाथ में थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेसी राज में क्या किया, उन्होंने ये बताया कि औरंगजेब कितना सेकुलर आदमी था, देखिए औरंग मिडिवल पीरियड, उन्होंने हिंदुत्व जो है वो इस देश का असली खतरा है, और गांधी जी की हत्या के बाद भी हम उनकी जो परतें हैं वो नहीं खोल पाए, हम नहीं बता पाए कि वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जो मुसलमानों को छोड़िए इस देश का सत्यानाश कर देगा। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है कि हम अभी भी देर नहीं हुई अगर बताएं, अगर हम इसको बताएं कि आप जो है जिस तरह का हिंदुत्व और राम मंदिर के माध्यम से भी ले आना चाह रहे हैं कि सारी दुनिया के करोड़पति, सारी दुनिया के फिल्म एक्टर जो नंगे होकर फिल्मों में डांस करते हैं वो पहले दिन आएंगे राम जी की जो जीवन दर्शन, और बाकी जनता जो है 2 दिन के बाद आकर खूब डंडा खाएगी और आएगी और वो सब करेगी। तो अगर ये भी हम चरित्र, हम हिंदू हिंदू धर्म को वो जो ब्राह्मणिज्म लेकर आ रहे हैं, यानी और ब्राह्मणिज्म का ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ब्राह्मणिज्म एक विचारधारा है, ब्राह्मणिज्म वो विचारधारा है जिसका इस्तेमाल औरंगजेब ने भी किया इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए, तो उसको हमको, हम असल में उस सवाल को नहीं उठा पाए। नेहरू एक जमाने के अंदर उसको कर पाए, और उसके बाद इंदिरा गांधी थोड़े से समय में, जिनको हम ये कहते हैं कि वो तो हिंदू कार्ड खेल रही थी जब उन्होंने भारत की प्रस्तावना के अंदर सेकुलर शब्द जोड़ा, वो जान नहीं थी कि आरएसएस क्या करने जा रही है। ये इसको मैं बात करने के लिए तैयार हूं दोस्तों से कि जो इंदिरा गांधी, हम इंदिरा गांधी की जेलों में रहे, लेकिन इंदिरा गांधी समझ गई थी कि आरएसएस जो है क्या खेल खेलने जा रहा है,
तो वो सेकुलर शब्द उनको रखवाना उन्होंने जरूरी समझा, जिस पर जिसको आज निकालने की लगे हुए रहते हैं। आनंद भाई साहब, आप जो सवाल उठा रहे हैं और इतनी शिद्दत के साथ इतने जज्बाती तौर पर आप करते हैं कि मुसलमान दोस्त आपके और मुसलमान और हिंदू जो है, देखिए ना, जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकारें चला रही थी उस जमाने में, इस देश के मुसलमान, नीची जाति के मुसलमान, जो लोहार थे, जो कसाई थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, जुलाहे थे, वो सबसे बड़े सम्मेलन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम लीग ये कह रही है कि हिंदू सारे देश के एक होते हैं और मुसलमान एक होते हैं, वो प्रस्ताव पास कर रहे थे कि पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुसलमान एक जैसे होते हैं, बंगाल का मुसलमान और हिंदू एक जैसे होते हैं, आप कैसे हिंदू सारे एक होते हैं और मुसलमान, तमिलनाडु का हिंदू और मुसलमान ज्यादा करीब होते हैं बजाय इसके कि तमिलनाडु का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान, ये कोई इसका सबूत दे रहे थे वो। अल्लाह बख्श साहब जिनको कत्ल कराया 43 में मुस्लिम लीग के लोगों ने, वो 1940 से इस बात को बोल रहे थे, सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये सारी सच्चाइयां थी और मोदी जो खेल खेल रहे हैं, मतलब वो इस देश को सत्यानाश करने के लिए बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं। भाई शशि शेखर आ गए हैं, सुने आप भी बहुत पिटे हैं आज दिल्ली में, आज हमारे इस वक्त भी हमारे टीचर और छात्र जो हैं बड़ी तादाद में बहुत पीट कर थाने और अस्पताल ले जाए गए। मुझे तो लग रहा था आप आ नहीं पाएंगे शशि जी। जी ये ऑन कर ली जी, नहीं मैं अभी कॉलेज में ही था, वो वहां जाने पे को अपॉइंटमेंट चल रहा था ना कॉमर्स वाला, तो तरन्नुम और ये सब का था, तो करवा लिया हमने, तरन्नुम और एमन का अच्छा। करा लिया, तो इसीलिए मैं कॉलेज में ही मुझे लेट हो, वहां जॉब बिक नहीं पाए हैं। हां जॉब नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी हुई है। हालांकि तमाम दोस्त लोगों का अभी आ रहा है कि मैं ये चला गया हूं और मैं फिलहाल बेंगलोर में हूं, हां तो अच्छा, वहां से भाई साहब से बात करना बहुत जरूरी था। तो जी 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 कंटिन्यू रखिए। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये हिंदुत्ववादी भी जो ये बारात खड़ी कर रहे हैं, ये उसका भी सत्यानाश करेंगे। और आपने बांग्लादेश का जो उदाहरण दिया था, वो देखिए पाकिस्तान थोड़े दिन क्यों चल पाया, 52% वोटर रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में, 48% रहते थे वेस्ट पाकिस्तान में, वो इसलिए चल पाया कि बंगाली बदमाश होते हैं, बंगाली लुटेरे होते हैं, बंगाली काम नहीं करते हैं, बंगला भाषा जो होती है वो बहुत घृणित भाषा है, ये सब करके वो पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को भड़काते रहे और जहर भरते रहे बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन उसने एक ऐसे हालात पैदा किए कि वो मुसलमान ही वो विद्रोह पर हो गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ा लिबरेशन स्ट्रगल उन्होंने किया। यहां थोड़ी देर लगेगी आनंद वर्धन जी, थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि यहां पर हिंदुत्व प्रोजेक्ट के फाइनेंसर हैं अडानी अंबानी हैं, और जो एनआरआई है सारी दुनिया के अंदर, वो उसने सारे आरएसएस का, देखिए हमारे देश में संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इससे धर्म की पहचान नहीं होती है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप में इनके संगठन का नाम है हिंदू सेवा संघ, तो वहां हिंदू के नाम पर सारे डायस्पोरा को वो बांट रहे हैं, और उसके साथ अरब ममालिक, अरब के जो शेख हैं, अय्याश, बदमाश, लफंगे, जिनकी 100-100 बीवियां हैं, वो मोदी जी के फाइनेंसर हैं। तो यहां पर हिंदुत्व प्रोजेक्ट इसलिए चलेगा और बहुत नुकसान करेगा। देखिए पाकिस्तान तो बांग्लादेश अलग होकर अपने आप में पाकिस्तान डूब रहा है, उससे बचा लिया, हमारे यहाँ बहुत नुकसान होगा आनंद भाई साहब, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अडानी अंबानी और अरब शेख हिंदुत्व प्रोजेक्ट के फाइनेंसर है जी।